हेलो चिल्ड्रन, पिछला टॉपिक था द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। उसमें हमने पढ़ा था कि स्लेवरी को फ्रांस से कैसे और कब अबलाइज किया गया। और आज का हमारा टॉपिक है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन का लोगों के एवरीडे लाइफ पर क्या असर पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? क्या पॉलिटिक्स जो लोग कपड़े पहनते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं या जो बुक पढ़ते हैं उसे चेंज कर देता है? तो शायद फ्रांस में ऐसा हुआ। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेज इन द राइट्स ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। आने वाले सालों में फ्रांस में ऐसा देखने के लिए मिला कि जो लोग थे उनकी लाइफ में ऐसे चेंजेज हुए। The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty, equality into everyday practice. जो revolutionary government थी उसने अपने हाथों में ले लिया कि वो ऐसे लॉ बनाएगी, ऐसे लॉ पास करेगी जिससे कि लिबर्टी, इक्वलिटी जैसे विचार जो हैं वो लोगों के एवरीडे लाइफ में देखने के लिए मिले। One important law that came into effect soon after the storming of the Versailles in summer 1789 was the abolition of censorship. 1789 के समर के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ अफेक्ट में आया, वो था सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। अब सेंसरशिप क्या है? मतलब किसी भी प्रिंटेड मटेरियल, कोई भी बुक्स या मैगज़ीन होने से पहले वो एक सेंसर बोर्ड को जाती है अप्रूव्ड होने के लिए कि उसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं है कि जो अगेंस्ट में हो किसी के, गवर्नमेंट के या किसी किंग के, तो उसी को बोलते हैं सेंसर। इसी तरह सेंसरशिप को हटा दिया गया, यानी अब उसे अप्रूव होने की ज़रूरत नहीं थी। द ओल्ड रेसिम ऑल द रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटी बुक्स न्यूज़पेपर प्लेट कुड बी पब्लिश्ड परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। पुरानी शासन व्यवस्था में जितने भी रिटन मटेरियल या कल्चरल एक्टिविटीज़, न्यूज़पेपर प्लेट, ये पब्लिश्ड होने से पहले राजा के सेंसर जो होते थे उन्हें अप्रूव्ड करते थे कि इसमें राजा के अगेंस्ट कोई बात नहीं है, तभी वो पब्लिश्ड होते थे। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी अ नेचुरल राइट। 1791 में जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो उसमें लोगों को कुछ राइट्स मिले जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो था वो एक नेचुरल राइट था। इसका मतलब है विच मीन्स दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। नेचुरल राइट का मतलब है उसे कोई छीन नहीं सकता, वो बाय बर्थ उन्हें मिल जाता था। अब जब ये नेचुरल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए जब लोगों को आज़ादी मिल गई तब क्या हुआ? न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स। न्यूज़पेपर, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर से पूरा फ्रांस का टाउन भर गया। फ्रॉम वेयर दे ट्रेवल्ड रैपिडली इन टू द कंट्री साइड। सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी ये चीज़ें बहुत तेज़ गति से पहुँचने लग गई लोगों तक। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स द एंड चेंज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। इस बुक्स मैगजीन्स में वो सारी बातें डिस्क्राइब की जाती थी या डिस्कस किए जाते थे वो इवेंट का कि फ्रांस में क्या क्या चेंजिंग हो रहे हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मैंट दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब है कि सिर्फ उसके फेवर वाली बात को ही नहीं लिखेगा बल्कि उसके अपोजिंग यानी उसके अगेंस्ट वाले विचार को भी वो उस में प्रिंट करेगा। ईच साइड सॉट द कन्विंस टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। इस प्रिंट मीडिया के थ्रू हर साइड, चाहे उसका फेवर हो या अगेंस्ट, जो है अपने आप को कन्विंस कर रहा है दूसरे को। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। प्ले, सॉन्ग और फेस्टिव प्रोसेशन जैसी चीज़ें जो है फ्रांस के बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। दिस वॉज वन वे द कुड ग्रैप्स आइडेंटिफाई दिस आइडियल सच एज द लिबर्टी और जस्टिस। अब ये प्रिंट मीडिया के थ्रू जो लोग हैं वो आइडेंटिफाई करने लगे हैं लिबर्टी और जस्टिस जैसे विचारों को। दैट पॉलिटिकल फिलोसफर रोट अबाउट एट लेंथ इन टैक्सिस विच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एडुकेटेड पीपल कुड रीड। फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर ने इन लिबर्टी, जस्टिस जैसे विचारों को अपनी बुक में लिखा था जिसे सिर्फ केवल एडुकेटेड लोग ही पढ़ पाते थे। तो ये पैराग्राफ फिनिश हुआ। अब स्टूडेंट नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड पीपल विटनेस इन एवरीडे लाइफ
after the revolution of 1789 in France. अब हम इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, कॉन्क्लूजन। इसमें हमें नेपोलियन के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। इन 1804 नेपोलियन बोनापार्टा क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टा जो है वो फ्रांस का राजा बना। ही सेट आउट टू कंक्वर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री। जब वो राजा बना उसके बाद उसने जितने भी फ्रांस के नेबरिंग इन पड़ोसी देश थे उनको जीतना शुरू कर दिया। डिस्पोसेसिंग डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम। उसने जितनी भी डायनेस्टी थी सबको ख़त्म किया, नए राज्य बनाने लग गया। वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और नए राज्यों में अपने ही फैमिली मेंबर को वहाँ प्लेस्ड करने लगा। नेपोलियन सा हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को देख रहा था मॉडर्नाइजर के रोल में कि वो तो पूरे यूरोप का मॉडर्नाइजर है। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने बहुत सारे नए लॉ लेकर आया जिसमें की है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम। नया सिस्टम लेकर आया वेट एंड मेजर्स का जो डेसिमल सिस्टम से था। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज लिबरेटर। बहुत सारे लोग नेपोलियन को लिबरेटर के रूप में देख रहे थे। हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। जो लोगों के लिए आज़ादी लेकर आएगा। बट सून द नेपोलियनिक आर्मी केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। पर जल्दी ही नेपोलियन आर्मी जो थी उसको इस रूप में देखा जाने लग गया कि ये तो सिर्फ जीतने के लिए ही आई है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड इन वाटरलू इन 1815। अब 1815 के वाटरलू के वॉर में नेपोलियन जो है वो हार गया। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज द लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू द अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल लॉन्ग आफ्टर द नेपोलियन हैड लेफ्ट। नेपोलियन के जाने के बाद भी जो उसके बहुत सारे सुधार थे, उसके आइडियाज़ थे रेवोल्यूशनरी लिबर्टी और मॉडर्न लॉ जो थे वो यूरोप के लोगों को इम्पैक्ट करते रहे। द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे महत्वपूर्ण जो विरासत थी वो थी लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th century। ये जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे लिबर्टी इक्वलिटी डेमोक्रेटिक राइट्स ये सिर्फ फ्रांस में ही नहीं रहे, ये यूरोप पूरे यूरोप में फैल गए 19th century तक। वेयर फ्यूडल सिस्टम जब यूरोप में फैले तो यूरोप के लोगों ने धीरे धीरे जो फ्यूडल सिस्टम था रेबलाइज्ड उसको ओबलाइज कर दिया। कॉलोनाइज पीपल रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बिलोंग बॉन्डेज इन टू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। जो कॉलोनियल पीपल थे वो दोबारा वर्क कर रहे हैं फ्रीडम जैसे आइडिया पर ताकि वो स्लेवरी से छुटकारा पा सकें और एक नया सॉवरेन स्टेट बना सकें क्रिएट कर सकें। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन राय आर टू एग्जांपल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज़ कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ये दो एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कि फ्रांस की जो रेवोल्यूशनरी विचारधारा थी रेवोल्यूशनरी जो आइडिया थे जो फ्रांस से आए थे लिबर्टी इक्वलिटी डेमोक्रेटिक राइट्स इसको रिस्पॉन्ड किया था। तो स्टूडेंट नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेपोलियन बोनापार्टे फाइनली डिफीटेड। विच इंडियन इंडिविजुअल रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छा से समझ में आया होगा। थैंक यू।